क्वेश्चन 16 देखिए. इन द गिवन फिगर ए सी एंड ए बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ. इफ एंगल सी ओ डी इज 120 डिग्री देन बी ए ओ इज इक्वल टू. मैं फिगर बनाता हूं पहले आपके सामने. हमारे पास एक सर्कल है, वी हैड अ सर्कल इस तरीके से. यहां एक ए पॉइंट है और इससे दो पॉइंट्स पर टेंजेंट डाली गई है, बी पर एंड सी पर. इसको थोड़ा फाइन बनाएंगे आप सी पर. यहां ओ पॉइंट है और इस तरीके से एक डायमीटर पास हो रहा है जो इस एंगल से निकल रहा है, यहां सेंटर से मिल रहा है. आप इस बी पॉइंट से यहां रेडियस, सी पॉइंट से रेडियस बना सकते हैं. एंड इनका नाम है, इसका नाम है ओ, इसका नाम है डी. और ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री आपको दे रखा है. एंड आप देखें तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 120 डिग्री. एंड बी ए ओ बताना है, बी ए ओ, बी ए ओ यानी ये वाला एंगल निकालना है. आप समझे, देखो ये वाला एंगल प्लस, इसको नाम दे दें कुछ एंगल वन, इसको नाम दे दें कुछ एंगल टू, इस और ये तो हमारा 90 डिग्री का होगा बिकॉज दिस इज एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है. अब आप देखो तो एंगल वन प्लस ये वाला एंगल प्लस 120 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री का बिकॉज ये लाइनर पेयर, या फिर कह सकते हो आप लाइनर पेयर एंगल्स. ये क्या है, हमारे लाइनर पेयर एंगल्स हैं और लाइनर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. या फिर ऐसा कह सकते हो कि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तो एंगल वन हमें मिल गया 60 डिग्री का. और हम ये जानते हैं कि यहां पर इस तरीके से जब केस बनता है तो ये जो लाइन है जो सेंटर से मिलती है इन दोनों एंगल्स को भी बाइसेक्ट करती है और इन दोनों को भी. या फिर आप लिखें यहां पर कि नाउ इंट्रेंगल बी ओ ए, इंट्रेंगल बी ओ ए एंड सी ओ ए, इंट्रेंगल सी ओ ए. आप देखिए जरा यहां पे क्या होगा कि दिस साइड ओके ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो इक्वल होती हैं. एंड यहां पे आप लिखेंगे कि दिस ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये दोनों में कॉमन साइड है. एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री. अब देखें आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड बाई आर एच एस, बाई आर एच एस ट्रेंगल बी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल सी ओ ए. ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो एंगल वन एंगल टू के और ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा. सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाई सी पी सी टी. तो एंगल वन आया था 60 का, एंगल टू भी हो गया 60 डिग्री का. अब आप इस ट्रेंगल में ले लो इन ट्रेंगल ए ओ बी, इन ट्रेंगल ए ओ बी, आप बोले एंगल टू प्लस 90 डिग्री ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए ओ, सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा. एंगल टू है 60, 90 प्लस 60 इज 150 इधर चला जाएगा. एंगल बी ए ओ इज 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री, यानी जो एंगल बी ए ओ है हमारे पास उसकी वैल्यू 30 डिग्री यहां पर होगी. तो एक बेसिक सी अप्रोच हमने लगाई. ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं. सारे रिजल्ट आपके माइंड में है, सीधा सीधा कर लोगे. 120 से 60, ये भी 60 का हो गया.
90 प्लस 60 प्लस 180 सिंपली आप बता पाओगे 30 डिग्री। बट अगर लिखना आ जाए तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पर लिखेंगे।